ये जो आप लोग गोश्त देख रहे हो, ये गोश्त दुबई के अंदर में, यहाँ पर अरबाब बख्शी जी बनाते हैं। इस गोश्त को तंदूर में डालते हैं आग जलाकर। आज की मुकम्मल वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कैसे बनाते हैं और कैसे तंदूर में डालते हैं और क्या क्या चीज़ काम आते हैं इसके लिए। नहीं फिर तो नहीं ये जी हमारा तंदूर है, इसमें हम ना आग जलाएंगे, इसमें बकरी का गोश्त डालने के लिए। अभी इसको जो है ना, ये पूरा को इसके अंदर जो सफाई करनी है पूरी। तनूर के लिए हम लोग यहाँ पर यार लकड़ी कट करते हैं। लकड़ी तो हमारे पास पड़ी होती है, और बाप ने लेकर दी थी पहले, बहुत बड़ी लकड़ी होती है इसको। लेकिन हम लोग गुजारे की मदद से और छेनी वगैरह की मदद से इनको दो दो तीन तीन टुकड़े करते हैं तनूर में आग चलाने के लिए। यार कुछ ये लकड़ी भी होती है, ये वो लकड़ी होती है जो अरबाब बाजार से क्लिक करके लाया। इसका जो कोयला होता है वो थोड़ा बड़ा बनता है और अच्छा कोयला बनता है इस वजह से। पहले हम लोग वो लकड़ी जो है उनको नीचे चलेंगे, अरबाब लकड़ी क्लिक करता है बाजार से, वो इन लकड़ी के ऊपर डालेंगे ताकि उसका कोयला अच्छा हो जाए। ये देखें जी, ये तंदूर साफ कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद आग जलाएंगे इस पर, फिर गोश्त डालेंगे। अभी ये हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा आगे आप दिखाओ ये कितना नीचे है, देखो। यहाँ पर हमारा काम ये भी ख़त्म हो जाता है यार, बस थोड़ा सा बाकी बचा है कोयला, वो भी हम लोग इससे यहाँ से निकाल लेते हैं और इसको। ये देखें जी, हमने तनूर में ये जो लकड़ी है ना डाल दी है, ये देखें। अभी हम इसको आग लगाते हैं। ये देखें जी, हमने आग लगा दिया अभी तनूर में। ये तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है ना पूरी जल जाएगी लकड़ी पूरी, फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे। मगरब भी होने वाली है, देखो सूरज बिल्कुल ग़ुरूब हो रहा है, नहीं दिख रहा। ये वो गोश्त है जिसको हम लोग अभी मिसाला लगाने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी अरबाब के घर में आ चुका हूँ। यहाँ पर इसको किचन के अंदर में हम लोग मिसाला लगाएंगे। हम मिसाला इसको सालन के तरीके बनाया जाता है, जैसे सालन के हम लोग ग्रेवी वगैरह बनाते हैं ना, वैसे मिसाला इसका तैयार किया जाता है। उसमें देसी घी वगैरह भी ये लोग डालते हैं, बहुत सारी महंगी चीज़ें डालते हैं ताकि गोश्त का जो है जायका बन जाए। थोड़ा सा मैं आप लोगों को किचन भी यहाँ पर दिखा दूँ सामने, देखो किचन कितना अच्छा है। और ये अंकल भी साथ में वीडियो बना रहा था मेरे साथ में। यार चलो यार, इसको हम लोग अभी मिसाला लगाते हैं, फिर चुनी में पैक करते हैं। चुनी में इसको पैक करके हम लोग लेकर आए अरबाब के साथ में अभी पत्रे के ऊपर। इसमें बहुत रात हो चुकी है, तकरीबन इशा के टाइम पर भी पता लग गया है। पहले जो नहीं होते डालो आप लोगों को, इसलिए हाँ इसका एक बात होती है, जब आप ये गोश्त डालते तो आपको जल्दी करना पड़ता है, तो फिर मिलते हैं इसके बाद भी यार। ये देखें जी, हमने कल रात को इधर गोश्त डाला था, तकरीबन 9 बजे रात को। अभी 12 का टाइम है, जो बहन निकाल रहे हैं अभी, लोग इसको निकालने वाले हैं अभी। अभी हमारा अरबाब आ रहा है वो लेने के लिए, अभी देखते हैं ये कैसा पका हुआ है। गेट खुला करके रखो, गाड़ी आएगी अरबाब का। अभी थोड़ा सा कैमरे को मैंने दूर रख दिया, क्योंकि भाई यार आप लोग वहाँ से देख रहे हो गाड़ी से आ रही है, पीछे से आ रहा है क्योंकि वो अरबाब आ रहा है। इस वजह से गाड़ी को थोड़ा, मतलब मैंने अपने मोबाइल को थोड़ा से छुपा कर रखा है यार, ताकि अरबाब भी नाराज ना हो, ये वजह है।
गोश्त रख दिया है गाड़ी में।